सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो के एंड आईको फोन के एंड्रॉइड 14 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। है सो अगर आपके पास वीवो एंड आईको डिवाइस है एंड आप लोग यूज करते हो, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे फोन में एंड्रॉइड 14 एंड फंटाचोच 14 का लेटेस्ट अपडेट कब तक देखने को मिलेगा। तो फाइनली इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लियर करके बताने वाला हूँ, कुछ डिवाइस के नाम आ चुके हैं एंड लिस्ट आ चुका है मेरे पास, और इस लिस्ट में हो सके आपके भी फोन का नाम आ जाए। यहां पर अगर आपके पास वीवो का है एंड चाहे आईको का डिवाइस है, इस लिस्ट में हो सके आपके भी फोन का नाम आ जाए। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखोगे तभी जाकर आप लोग को पता चलने वाला है कि आपके डिवाइस में एंड्रॉइड 14 एंड फंटाचोच 14 का लेटेस्ट अपडेट कब तक देखने को मिलने वाला है। तो फाइनली इस वीडियो में मैं आप लोग को इस क्लियर करके बताने वाला, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते हैं स्क्रीन पे और आप लोग को चल के बता देते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलमान। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहां पर मेरे पास वीवो का B23 5G फोन है एंड इस फोन के बारे में भी बताऊंगा। आपके भी पास होगा अगर वीवो का B23 5G फोन, तो आपके फोन में एंड्रॉइड 14 का लेटेस्ट अपडेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्लियर बताऊंगा। एंड कुछ डिवाइस के नाम आ चुके हैं, B सीरीज एंड Y सीरीज एंड X सीरीज, T सीरीज एंड आईको के बारे में, इन सभी डिवाइसों के बारे में आप लोग को बताऊंगा। लिस्ट में नाम आ चुके हैं, तो आप लोग को बताऊंगा कि बी सीरीज में कौन सा डिवाइस मिलने वाला है, वाई सीरीज में एंड यहां पर टी सीरीज में एंड यहां पर आईको के सीरीज में आप लोग को कब तक अपडेट देखने को मिलने वाला। तो फाइनली यहां पर जो कि कुछ फीचर्स में यहां पर चेंजेस किया जाएगा एंड्रॉइड 14 में, वो भी आप लोग को बताऊंगा। तो चलते हैं यहां पर, पहले लिस्ट दिखाता हूं आप लोगों को। तो यहां पर मिल जाता है आपको फंटाचोच 14 अपडेट ट्रेनिंग, यहां टॉप फीचर्स रोल आउट, लिस्ट ऑफ द कंप्लीट वीवो एंड आईको मोबाइल्स, यहां पर आप लोग को इस तरीके का इंटरफेस मिल जाता है। नीचे आएंगे तो यहां पर हमें मिल जाता है यर वीवो एंड आईको फोन्स गेस्ट एंड्रॉइड 14, इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। और नीचे आओगे तो आप लोग को यहां पर बताया गया कि फंटाचोच 14 ईस्ट कोमिंग, तो यू आर वीवो एंड आईको फोन्स सून, तो यहां की जो कि कोमिंग सून में रखा गया है एंड फंटाचोच 13 का अपडेट, सॉरी दोस्तों यहां पर फंटाचोच 14 का अपडेट एंड एंड्रॉइड 14 का, तो यहां पर कोमिंग सून पे रखा गया है। और यहां पर इस वीडियो में देख सकते हो इस तरीके का इंटरफेस मिल जाता है। फंटाचोच अपडेट ट्रेनिंग एंड ट्रेंडिंग में पड़ा हुआ है, जो कि ट्रेंडिंग में है, कुछ ही दिन के बाद हमें मिलने वाला है कुछ डिवाइसों के अंडर बेटा टेस्टिंग, तो ये भी चीज आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर कुछ कंट्रोल सेंटर में बताया गया, देख सकते हो यहां पर जो वॉल्यूम वगैरह होता है थोड़ा पहले से चेंजिंग देखने को मिलेगा। ब्राइडेशन जब आप लोग करते हो तो आपका जो ब्राइडेशन का स्क्रीन है पहले से बेटर मिलने वाला है एंड्रॉइड 14 में। उसके बाद दोस्तों यहां पर फंटाचोच द कस्टम स्क्रीन यूजर इन वीवो एंड आईको स्मार्टफोन, तो यूजर के जो है वीवो के एंड आईको के, उनको यहां पर कब तक मिलने वाला है एंड डिवाइस में आप लोग को चल के दिखाता हूं नाम आ चुके हैं। तो नीचे चलते हैं और नीचे आने के बाद यहां पर लिस्ट मिल जाता हमें फंटाचोच 14 अपडेट ट्रेनिंग लिस्ट कंप्लीट डिवाइस, तो यहां पर देखते हो लिस्ट ऑफ द वीवो डिवाइस गेस्ट फंटाचोच 14 अपडेट। तो पहला नंबर यहां पर हम बात करेंगे वीवो के बी सीरीज के बारे में, तो बी सीरीज के बारे में बताने वाला हूं। तो वीवो के B23 5G एंड वीवो B23 5G एंड वीवो B23 प्रो यहां पर आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर वीवो B25 Pro एंड वीवो B27 एंड उसके बाद मिल जाता है हमें वीवो B27e, वीवो B27 Pro, इन सभी डिवाइस को मिलने वाला है बी सीरीज में। एंड कुछ दिन पहले यहां पर लॉन्च हुआ हमारा डिवाइस वीवो का B29e फोन, उसमें भी आप लोग को एंड्रॉइड 14 एंड फंटाचोच 14 का लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलने वाला है। तो मैंने यहां पर आप लोग को बी सीरीज के बारे में बता दिया, बी सीरीज के इतने डिवाइस में हमें एंड्रॉइड 14 एंड फंटाचोच 14 का लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलने वाला है। अब आ जाते हैं हमें यहां पर एक्स सीरीज के बारे में बात करने वाले, तो एक्स सीरीज में आता है हमारा X70 Pro एंड X70 Pro Plus एंड X18 Pro एंड X19 Pro, इन सभी डिवाइस को भी यहां पर दिया जाएगा एंड्रॉइड 14 लेटेस्ट अपडेट। अब आते हैं हम बात करने वाले हैं टी सीरीज, तो टी सीरीज के जितने भी डिवाइस हैं सभी डिवाइस में आप लोग को एंड्रॉइड 14 का अपडेट देखने को मिलने वाला है। जो भी डिवाइस यहां पर लॉन्च किया गया अब तक इंडिया के अंदर, सभी डिवाइस में आप लोग को देखने को मिलेगा, जैसे कि वीवो का T1 5G, T1 Lite 5G, T1 Pro एंड T1 X
T2X इन सभी डिवाइस को देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों नीचे आ जाते हैं हम वाई सीरीज के कुछ बेसिक डिवाइस के बारे में जो कि यहां पर 2023 के अंदर लॉन्च किया गया था। तो 2023 के अंदर हमारा आता है वीवो का Y11, यहां पर देख सकते हो इस तरीके का मिल जाता है Y11 2023 फोन है। उसके बाद मिल जाता है हमारा Y35 एंड Y53 एंड उसके बाद हमारा मिल जाता है वहां पर वीवो के Y56 फोन, Y75, Y75 5G, Y100, यहाँ पर हमारा इतने डिवाइस का नाम आ जाता है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि और भी डिवाइस का नाम ऐड किया जाएगा कुछ दिन पहले, यहाँ पर बहुत सारे वीवो के वाई सीरीज के फ़ोन हैं, जैसे कि हमारा वीवो का Y27 फ़ोन है एंड Y27 जो कि आप लोग को लेटेस्ट फ़ोन है, एंड उसके बाद और भी फ़ोन लॉन्च किए गए थे, सभी डिवाइस में आप लोग को मिलेगा। तो लिस्ट में जब ऐड होगा तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके बाद आ जाते हैं हमें यस सीरीज के बारे में, तो यहां पर हमारा मिल जाता है यस सीरीज, तो यस 16 प्रो इन सभी डिवाइस का नाम आ जाता है। अब बात करने वाले हम आइको डिवाइस के बारे में, तो यहां पर लिस्ट आ जाता है हमारा लिस्ट ऑफ द आइको डिवाइस गेस्ट फंट एच 14 अपडेट, आइको 11 प्रो, आइको 11, आइको नोवा 8, आइको नोवा 7, आइको नोवा प्रो देखने को मिल जाता है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आइको Z7, आइको Z7X, आइको Z7S, आइको 9 प्रो, आइको 9, आइको 9T, आइको 9E, सॉरी दोस्तों यहाँ पर आइको 9SE, आइको 8, आइको 8 प्रो एंड आइको 7, आइको नोवा 6, आइको Z6 लाइट, आइको Z6 प्रो, आइको Z6, इन सभी डिवाइस का नाम है। तो इन सभी डिवाइस में आप लोग को एंड्रॉयड 14 का लेटेस्ट अपडेट मिलने वाला है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो हाउ टू अपडेट तो फंट एच 14 बीटा ऑन यूर वीवो और आइको फोन्स, जैसे यहां पर रिलीज होगा एंड यहां पर सितंबर के लास्ट महीने में बीटा वर्जन आइको के डिवाइस में देखने को मिलने वाला है। कुछ डिवाइस में यहां पर बीटा वर्जन मिलेगा टेस्टिंग के लिए, उसके बाद सभी डिवाइस में एंड्रॉइड 14 फंटाचोस 14 का लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा। एंड कुछ फीचर्स लीक आए हैं, जैसे कि अगर आपका फोन में एंड्रॉइड 14 का अगर आप लोग अपडेट वगैरह कर ले तो यहां पर मिल जाता है वीवो रिलीज वीवो एंड्रॉइड 14 बीटा परफॉर्मेंस, तो यहां पर आप लोग देखते हो 4X19 प्रो एक्स वीवो एंड आइको। दोस्तों यहां पर जैसे कि वीवो का X19 प्रो एंड आइको 11 इन सभी डिवाइस में कंफर्म यहां पर अपडेट मिलने वाला है टेस्टिंग के लिए, यहां पर देख सकते हो एंड्रॉइड 14 का। अब दोस्तों मैंने इस वीडियो में आप लोग को बता दिया कि कौन कौन से डिवाइस में एंड्रॉइड 14 का लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलने वाला है एंड कुछ चेंजेस होगा। जैसे कि यहां पर मैंने आप लोग को बताया कि एंड्रॉइड 14 का जो अपडेट है हमें कौन कौन से डिवाइस में मिलने वाला है, तो सब कुछ मैंने इस वीडियो में आप लोग को कंफर्म बता दिया है कि कौन कौन से डिवाइस में मिलने वाला है। वाई सीरीज के कुछ नाम होते हैं ऐड किए जाएंगे, अभी ऐड नहीं किया गया, तो जैसे ही ऐड किया जाता है मैं आप लोग को बता दूंगा इस वीडियो में। और यहां पर आप लोग को कुछ कुछ फीचर्स भी चेंजेस मिलने वाला है, जैसे कि आपके इस जो थीम्स वगैरह होंगे उस भी चेंज मिलेंगे एंड जैसे आपका वॉल्यूम होता है एंड आपका जैसे वाइब्रेशन भी बढ़ाते हो एंड ब्राइटनेस भी बढ़ाते हो तो उसका भी वॉल्यूम चेंज मिलेगा एंड कंट्रोल सेंटर में भी थोड़ा बहुत चेंजेस किया जाएगा एंड्रॉइड 14 में। तो फाइनली आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा डिवाइस में एंड्रॉइड 14 का लेटेस्ट अपडेट मिलने वाला, सब कुछ मैंने इस वीडियो में डिटेल में बता दिया, तो फाइनली आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए, आज जो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के इंप्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय दोस्तों।